सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हालांकि हमारे भारतवर्ष में योग पर अनेक कार्य हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी सत्ता आने की वजह से हम लोग सब अपने महान शास्त्रों को भूल गए जिन्होंने योग पर बहुत कार्य किए। उपनिषदों में विशेषता अगर आप देखें, शांडिल्य उपनिषद आदि, इसमें बहुत सफाई से दिखाया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है, और यह शक्ति जागृत होने पर आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। यह मैं जरूर कहूंगी कि बहुत स्पष्ट रूप से पूरी रूपरेखा इन उपनिषदों में उन्हें दी नहीं, किंतु ये बात विवाद है कि हमारे अनेक शास्त्रों, योग वशिष्ठ आदि अनेक शास्त्रों में भी इसका बहुत स्पष्टतया उल्लेख हुआ है। हम लोग न जाने क्यों विदेशी परदेश से आई हुई सारी विद्या को बहुत उत्तम समझते हैं, और हमारे जो कोई इतनी संपदा इस देश में है उसे कब पदार्थ समझते हैं, उसका महत्व नहीं जानते। इसका कारण हो सकता है कि हम इतने वर्ष गुलामी में रहे और इन लोगों से हम बड़े अभिभूत हो गए क्योंकि हमारे ऊपर ये राज्य का। अब जबकि हम स्वतंत्र हो गए, उस स्वतंत्रता में हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या संपदा है और हमारा अपना क्या इतिहास है और हमने क्या क्या चीजों की खोज लगा रखी। भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है कि जिस देश में मनुष्य को बाहर की समस्याओं से जरा कम करना पड़ता है, जैसे कि लंदन में अगर आपको घर से बाहर जाना है तो कम से कम 15-20 मिनट आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, तब आप बाहर जाते हैं। अपने देश में भी ऐसे बहुत सी जगह है, जैसे हिमालय है या उनकी तराई की जगह है जहां पर बहुत ठंडा रहता है, वहां लोग रहते ही नहीं। लेकिन इन सब देशों में मैंने देखा है कि समस्याएं इतनी उनको निसर्ग से लड़ने की हर समय इतनी उन्हें तकलीफ देती रहती है कि वो उसी में पूरी तरह से लुटे रहते हैं। लेकिन भारतवर्ष में एक आबो हवा देखिए, हम लोग से खुलेआम बैठे, रशिया में भी ऐसे कोई खुलेआम बैठे सब, कोई भी देश में आप खुलेआम जैसे बैठे स्कूल बैठे सब। वहां तो जो हमारे लेक्चर्स होते थे तो उन्होंने कहा आपके लेक्चर में बहुत लोग आएंगे तो स्टेडियम के सिवा कोई जगह नहीं, स्टेडियम भी पूरा बन गया। तो ये इस भारतवर्ष की जो विशेषता है कि ना तो यहाँ बहुत गर्मी ना ठंडक, और इस जगह हम लोगों को निसर्ग से लड़ना नहीं पड़ा। तो हमारे जो अनादिकाल में अपने पूर्वज हो गए, उन पूर्वजों ने यह सोचा कि आखिर हम लोगों का जीवन जो रोज का है, रोजमर्रा हम जिस जीवन में इससे जा रहे हैं, इसका कोई ना कोई अर्थ है। और क्योंकि इस तरह की हमारी आबो हवा थी, लोगों ने जरूर अपना ध्यान अपनी ओर ज्यादा लगाया बनिस्बत इसके कि कहीं विदेशी देशों में हो सकता। उनको ये नहीं सोचना पड़ा कि हमें बाहर के निसर्ग के जो प्रश्न हैं उनका किस तरह से हल निकालना, बस उन्हें यह पता था कि अब तो सब कुछ ठीक ही है, खाना पीना जंगलों में भी जाइए तो भी आप जंगलों में रह सकते हैं, वहां फल फूल खा के रह सकते हैं। इस प्रकार की इस आबो हवा से भी हमें कहना चाहिए कि परमात्मा ने हमें विशेष रूप से ये देश का वरदान दिया। ये देश बहुत महान देश और इस पे परमात्मा की विशेष कृपा, और इस कृपा के कारण ही अनादि काल से इस देश में लोगों ने ये पता लगाने की कोशिश की कि हम इस संसार में आए क्यों और हमारा जीवन किस लिए आए। परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने हमें आज इंसान का क्यों स्वरूप इस विचार से प्रेरित होकर के अनेक लोगों ने जंगलों में जाकर के ध्यान तपस्या वगैरह करके ये पता लगाया
कि हमारा जीवन इसलिए बना है कि हम परमात्मा के साम्राज्य में जाएं और उनका आनंद और उनका प्रेम उससे फलीभूत हो जाए। सारा कुछ जो संसार परमात्मा ने बनाया, सृष्टि रचाई और उसके बाद जो मनुष्य को एक अमीबा से स्थिति में ला कर छोड़ दिया, तो वो सिर्फ इसलिए कि हम उस आनंद में चले, उस परमात्मा के प्यार के सुख का अनुभव हम लें, इसलिए परमात्मा ने ये सारी दुनिया बताई। ये सभी ने गाया और सभी ने कहा, संतों ने इस महाराष्ट्र देश में आकर के न जाने कितनी तरह से कहा है कि सुखा का संसार, सुख का संसार मैं बनाऊंगा। पसायदान के इसमें जो वर्णन किया गया है और जो उन्होंने एक संसार का चित्र सुंदर सा बनाया, वो आज के दिन में आप सहयोग में देख सकते। ये जो कुछ भी भविष्यवाणियां हुई, जो कुछ भी कहा गया, जो भी उन्होंने मन में इच्छाएं रखी, वो आज फलीभूत होने का समय आ गया। मैं ये कहूंगी कि सहयोग आज का नहीं, अनादि काल की तरह है। पहले जमाने में सिर्फ एक गुरु और एक ही शिष्य होता था। यह परंपरा 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में विशेष करके श्री ज्ञानेश्वर जी ने तोड़ी। वो भी अपने भाई जो उनके गुरु थे उनको बहुत मना करके ये परंपरा तोड़ी। कम से कम इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञानेश्वरी में लिखे, उससे पहले आप देखें तो न जाने कितने शास्त्रों में इसका उल्लेख ही नहीं, पर उसके बारे में विशद रूप से वर्णन किया गया। जिन लोगों ने संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं, जिन्होंने अपनी पुरानी पुस्तकें देखी ही नहीं, और जो अपने पाश्चिमात्य इस शिक्षा को बहुत ऊंची चीज समझते हैं, ऐसे अंधे लोग इसको कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर कितने महान चीजें लिख गए। इन सब चीजों में जो कुछ भी आप देखेंगे वो एक ही चीज है कि मनुष्य का जीवन किस लिए बना, उसका अर्थ क्या है, उसे कहां जाना है, क्या उसका जीवन इसलिए बना है कि वो इससे उसे लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे, लोगों को गालियां बकता रहे, या इंश्योरेंस की पॉलिसीज भरता रहे, या और उससे बढ़िया काम करेगा तो दुनिया भर के पैसा खाते रहे, क्या इसलिए उसका जीवन बना। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जीवन क्या ऐसे निम्न चीजों के लिए बना है। जब मैं पहले पुणे में आई, सबने बताया कि माँ यहाँ तो कुछ आपका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों, कल सब पैसा ही खाते, कोई खाना ही नहीं खाता। पैसा ये पुण्य पटना इसके बारे में के इतने शास्त्रों ने वर्णन किया, इस पुण्य पटना में सब लोग पैसा ही खाते, सारा भ्रष्टाचार ही फैला, ऐसा हो क्यों गया। हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों कर ली, क्योंकि वो जो साध हमारे अंदर की सत्य को खोजने की वो लुप्त हो गई, वो साध ही खो गई, वो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें सत्य को खोजना है। जब तक हमने सत्य को नहीं पाया तब तक हमें कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। आप करोड़ों पति हो जाइए, आपको पैसा खाइए, करोड़ों पति हो जाइए, लेकिन आपको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, आपको कभी आनंद नहीं मिल सकता, आपको प्रेम नहीं मिल सकता, और पीठ पीछे हर आदमी आपकी बुराई करेगा। इतना ही नहीं, इस भारतवर्ष में तो लोग इतनी महान आदर्शों से परिचित हैं कि कोई ऐसा आदमी हो तो उसका फोटो भी सवेरे नहीं खोले, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बना हो। ऐसी उच्च संस्कृति के हम लोग द्योतक, ऐसी हमारे पास उच्च संस्कृति होते हुए हम लोग इतने गिर क्यों गए, और अब क्या इसमें से कोई बचाव है या नहीं, ये घर सवाल कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि ये अच्छा हुआ एक तरह से कि हमारे अंदर कुछ भ्रांति तो पैदा हुई, हम सोचने तो लगे कि हम ऐसे गिर क्यों गए, हमें ये दुर्दशा क्यों आई, और हम इतने निम्न स्तर पे क्यों कर गए।
उस पर फिर मनुष्य सोचने लगता है इससे आगे क्या, आखिर ये क्यों। तभी वो एक साधक हो जाता है और जो साधक है वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, और जो नहीं है वो चाहे कुछ भी कहे, कितना भी चिल्लाए, वो पा नहीं, वो ये पा नहीं। क्योंकि जब आदमी इस ओर जाता है कि आखिर हम क्यों इस दुनिया में आए, तो वो सत्य की ओर इशारा करता है और वो जानना चाहता है कि इसमें सत्य क्या है, मैं जो मनुष्य बना हूं मेरा क्या महत्व है, मेरी क्या औकात है, मैं किस सतह पे चल रहा हूं। जब मनुष्य इस बात को सोचने लग जाता है तब वो साधक हो जाता है, और जब वो साधक हो जाता है तब उसके लिए उसकी कुंडलिनी स्वयं, उसकी माँ उसके अंदर बसी हुई है, वो सहज में ही जागरूक हो सकता है। इस मामले में जैसे रशिया में मैं बताती हूँ आपको, आश्चर्य की बात है कि 14,000 और 16,000 ऐसे भी लोग वहां आए और सबके सब पार हो जाते हैं। मैं सोचती थी यहाँ तो इन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना, कोई जानते भी नहीं कि कुंडलिनी क्या चीज है। मेरा सिर्फ फोटो देख करके हजारों लोग वहां आए और पार हो गए। मैंने ये देखा कि इनके जो लेखक हैं ये सारे ही बहुत ज्यादा अंतर मन को खोजते, इंट्रोस्पेक्शन से। इनके लेखकों ने दिखाया कि कोई सा भी कोई आदमी कार्य करता है तो हमेशा टटोलता है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, किस लिए मैं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या। इस वजह से हालांकि हमारे देश में लोग धर्म की बहुत बातें करते हैं, धर्म मार्तंड बहुत है, और आपने तो अभी देखा है कि सद्दाम साहब और आदि ने मिलकर तो क्या तमाशा खड़ा किया, परमात्मा के नाम पर सारा कार्य, लड़ाई झगड़ा, आफत, इसको मार उसको मार, सबको दबाओ। ये सब चीजें इसलिए हो रही है कि मनुष्य को अपने अंदर सुरक्षा नहीं, वो ये नहीं जानता कि परमात्मा सबकी सुरक्षा देखते हैं और वो सबको प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं, वो सब पिताओं के पिता है, अत्यंत करुणा के सागर है, और हम लोगों को इतने असुरक्षित होने की कोई भी जरूरत नहीं। अब मेरे कहने से आप लोग इस बात को मान ले, ये तो हो नहीं सकता कि मैं कहती हूं कि आपके ऊपर परमात्मा का छत्र पूरी समय छाया, लेकिन इसको आप जरूर महसूस कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं, इसको मराठी में कहते हैं ज्ञानी, संस्कृत में इसे बोध या विद, इसे वेद शब्द का। यह आज समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं कि परमात्मा की शक्ति हमारे और चारों तरफ छाई, और इस शक्ति को जब हम प्राप्त करते हैं तभी असलियत में आपका योग घटित होता है। उससे पहले योग की बातें करना, सर के बल खड़ा होना और अपनी हड्डियां तोड़ना, ये कोई योग नहीं। और तरह तरह के योग लोगों ने बनाए हैं, योग बनाया नहीं जाता है, योग होता है, जो कि जीवंत क्रिया है हमारे उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में। जैसे कि हम इंसान हो गए, आपको कोई बंदर से इंसान बनाया नहीं गया, आप बन गए। उसी प्रकार इस इंसान की स्थिति से आप अपनी ऊंची दशा में जाए, और वो दशा में जाने के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी, आपको कोई पैसा नहीं देना। सबसे मुख्य बात यह कि भगवान को पैसा कहाँ समझ में आता है, वो पैसा लेके करेंगे क्या, उनके नाम पर पैसा चढ़ाने की जरूरत क्या है। जिस आदमी को पैसा ही नहीं समझ में आता उसको पैसा देने से फायदा क्या। जैसे ये जमीन है, धरती, इसमें कोई सा भी बीज डाल दीजिए तो वो अपने आप पनप जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण अपने आप हो जाता है, सहज में हो जाता है। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लोग समझाते हैं कि आप कुंडलिनी का जागरण करना है तो उसके लिए ये करिए, उसके लिए वो करिए, उसके लिए इतना पैसा दीजिए, उसके लिए वो, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसे लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो लोग भगवान के नाम पे पैसा लेते हैं वो पाप का है और महापाप का है, और आप लोग जो देते हैं आपके लिए ही कहा जाएगा कि आपकी अकल कहां मारी। दूसरी बात यह है कि इसके लिए सहज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीज,
जीवंत क्रिया से ही एक अंकुरित होता है। इसी प्रकार ये भी एक जीवंत क्रिया है, जिस क्रिया से जीवंत परमात्मा का कार्य होता है। उसको आप चाहे कि अपनी तरह से बनाए तो हो नहीं सकते, कोई जबरदस्ती का काम करने से नहीं हो सकता। वो अंदर अपने बैठी हुई आपकी माँ है कुंडलिनी, ये आपकी माँ है। बहुत से लोगों ने ऐसा भी लिख रखा है कि कुंडलिनी से जागरण से ये तकलीफ हो जाती, वो तकलीफ हो जाती। मेरे समझ में नहीं आता, जब आपको कुछ मालूम नहीं किसी मामले में तो क्यों लिखते हैं? कुछ भी पैसा कमाने के लिए लोग लिखते रहते हैं, और ऐसा लिखने से लोग डरते हैं कि हम कुंडलिनी का जागरण नहीं करेंगे, हमें तकलीफ हो जाएगी। अरे वो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें पुनर्जन्म देने वाली है, आपकी माँ, इसने आपको जन्म दिया। क्या उसने सारी तकलीफें नहीं उठाई? क्या आपको कोई तकलीफ दी थी? इसी प्रकार ये आपकी माँ है, और ये जो माँ है ये शुद्ध इच्छा थी। जो आपके अंदर शुद्ध इच्छा हो, वो शुद्ध इच्छा ही ये माँ स्वरूप एक शक्ति है, और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तब आप उस चारों तरफ छाए हुए परमात्मा के प्रेम के साक्षात्कार हो जाते, या कहना चाहिए उस शक्ति के साक्षात्कार। वो शक्ति आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, अपने सर में से भी आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवा निकलती है। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, सलीलम सलीलम, इस प्रकार आप उंगलियों में भी देख सकते। हालांकि आज का जो सारे दुनिया के लिए खुल गया, ऐसा पहले तो नहीं था, इसलिए इतना खुल करके पूरा लोगों ने इसका वर्णन नहीं किया, लेकिन आज सबके लिए खुल गया है और सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो तरह की दुविधा मैंने देखी, जो खास कर हिंदुस्तान में, वो ये है कि हमारे अंदर बहुत सारे सुसंस्कार भी हैं और कुसंस्कार भी। उन कुसंस्कारों में से एक संस्कार है कि हम किसी न किसी धर्म के बंधन में फंसे। धर्म में होना अलग है और धर्म के बंधन में होना अलग। धर्म में होना माने ये कि आप स्वयं ही धार्मिक हैं, बताना ही नहीं पड़ता कि आप धर्म करें या आप धर्म में रहें। कर समझ लीजिए, कोई संत हो, जैसे तुकाराम थे, जैसे नामदेव थे, जैसे दास दंत थे, जैसे कबीर थे, नानक थे, उनसे क्या कहना पड़ता था कि तुम ये गलत काम मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम पैसा मत खाओ, ऐसा कहना पड़ता? कोई जरूरत ही नहीं, वो गलत काम करते ही नहीं थे। तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे विशेष व्यक्तित्व की शक्ति थी जिसके वजह से वो ऐसी चीजों की ओर झुकते ही नहीं थे, ऐसे निम्न चीजों पर जाते ही नहीं। वो चीज आज आपको मिलने वाली, उसे आज आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है वही नालायक है, वही चाहता है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आपसे विशेष बात बताएं कि कल का दिन जो था, आप जानते हैं गुड़ी पाड़वा का लोग मानते हैं, परसों का गुड़ी पाड़वा का जो दिन होता है उस दिन कृतयुग शुरू हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। अब ये कहने पर लोग कहेंगे ये क्या बकवास है, कृतयुग कैसे शुरू हो गया? कलयुग में कृतयुग शुरू हो गया माने ये कि कलयुग में ये जो चारों तरफ फैली परमात्मा की शक्ति है ये कार्यान्वित होगी, और कार्यान्वित होने की वजह से ही आज सहज इतना सरल सहज हो गया है और लोगों को अनेक तरह से इससे लाभ हो। अब इसका अगर आप लाभ नहीं उठाना चाहते तो कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी एक उत्कंठा, एक इच्छा और एक थोड़ा सा समर्पण भी होना चाहिए, क्योंकि आप बड़े अहंकारी हो तो उसे कहें हम आपको 2,00,000 रुपए देते हैं आप हमारी कुंडलिनी जागरूक कर दें, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आप 10,00,000 देने, 25,00,000 कोई नहीं। आपको अगर कुंडलिनी जागरूक करना है तो आप नम्रता पूर्वक आए और कहें कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए तो जरूर हो जाए। जो आदमी अहंकार से भरा हुआ है या जो आदमी कुसंस्कारों से भरा हुआ है उस आदमी के लिए सहयोग में मुश्किल हो जाती है, पर तो भी मैं आश्चर्य करती हूँ कि कुंडलिनी का कार्य इतने जोरों में चल रहा है, इतने जोरों में लोगों को फायदा हो रहा है कि पता नहीं इस परमात्मा को कैसे हम लोगों पे इतनी दया आ गई है, और हम आगे इतना सोचते हैं कि उन्होंने इस तरह से अपना करुणा का सागर सब दूर बहा दिया।